हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मीडिया क्रेशर क्लब द लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ। सो फ्रेंड्स, आप जो है प्ले स्टोर से कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं, वो इंस्टॉल होने की बजाय वो पेंडिंग में चला जाता है। तो आप जो है अपनी वाईफाई को ऑन ऑफ करके देखा, मोबाइल जो है वो पावर ऑफ करके ऑन करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐप जो है वो इंस्टॉल नहीं होता है, वो पेंडिंग में ही रहता है। तो फ्रेंड्स, आप जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले अपने गूगल के प्ले स्टोर पर चले जाना है और वहाँ से वो ऐप जो है कैंसिल कर देना जो आपका अभी तक पेंडिंग में है। वो कैंसिल करने के बाद आपको आना है अपनी प्रोफाइल पे। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है फर्स्ट नंबर पर मैनेज ऐप एंड डिवाइस का, तो आपको उस पर टैप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है अपडेटिंग ऐप्स का, तो आपको उस पर इंटर होना है। तो पर आपके ऐप जो है ऑटोमेटिकली अपडेटिंग हो रहे होते हैं, तो इसलिए आपका कोई भी ऐप जो है इंस्टॉल नहीं होता है, आप कितनी भी कोशिश कर लें उसके बावजूद भी। तो यहाँ से आपको कैंसिल ऑल कर देना है या उसको कैंसिल कर देना है जिसको आप नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं कैंसिल ऑल कर देता हूँ। उसके बाद आपको बैक आ जाना है और यहाँ पर आप अपनी स्टोरेज देख लें कि वो फुल तो नहीं हो गई। उसके बाद जो है आपको फिर से बैक आ जाना है, फिर से अपनी प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। प्रोफाइल पे क्लिक कर बाद यहाँ पर सेकंड लास्ट आपको ऑप्शन मिलता है सेटिंग्स का, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद सेकंड नंबर आपको ऑप्शन मिलता है नेटवर्क प्रेफरेंस का, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फर्स्ट नंबर पे आपको ऑप्शन मिलता है ऐप डाउनलोड प्रेफरेंस का, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, ओवर एनी नेटवर्क, ओवर वाईफाई ओनली, आस्क मी एवरी टाइम। तो आपको जो है ओवर एनी नेटवर्क के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और डन कर देना है। उसके बाद ऑटो अपडेट्स ऐप का ऑप्शन मिलता है आपको, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं कि ओवर एनी नेटवर्क, ओवर वाईफाई ओनली, डोंट ऑटो अपडेट ऐप्स का, तो आपको डोंट ऑटो अपडेट्स ऐप के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, ये तीन सेटिंग्स थी जो हमने आपको बता दी। अगर आप ये तीन सेटिंग आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी प्रिंटिंग प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसी मालूम के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।